इस 21वीं सदी में आपने इस एक बात को जरूर नोटिस किया होगा आपके आसपास में कि लोग ये अक्सर कहते हैं कि वेल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब ऐसे कि जैसे अभी हमारे पास और इस जनरेशन के पास 24 घंटे पूरे नहीं हैं। हर कोई बिजी हो चुका है, व्यस्त हो चुका है और दिन के अंत तक एंड तक हम सब थके हुए होते हैं। ये ऐसे है कि जैसे हम दौड़ में दौड़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं जाना कहाँ है, लेकिन सब लोग हम थके हुए जरूर हैं। और इसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक इफेक्ट या प्रभाव है हम मसीहों की जिंदगी के ऊपर। हर किसी को आज जल्दी है, वी आर ऑल इन हरी, और ये जो जल्दबाजी है ये सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। और खासकर हम जो मसीह को मानने वाले हैं और जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान मांग रही हैं, खींच रही हैं। और अब जबकि ये इंटरनेट का जमाना बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है, हम बिजी हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वेबसाइट्स पर, यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इसकी वजह से हम बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। नाउ प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। अब जबकि लोग स्वार्थी बन चुके हैं, ईगो सेंट्रिक सेल्फिश बन चुके हैं, हर कोई आज मूवी स्टार है, और ये कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इन बातों पर ध्यान दें। तकरीबन हर किसी के पास आज फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, और वह दुनिया को दिखा रहे हैं कि वह क्या हैं, वह क्या कर रहे हैं, वह क्या खा रहे हैं और वह क्या विश्वास करते हैं। अब इन सब में मैं ये मानता हूं कि कई अच्छी चीजें भी, अच्छी जानकारियां भी हैं, लेकिन ज्यादातर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। तो सवाल यह है, जबकि हर कोई बिजी है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात, हमें ये एहसास होना बहुत ही जरूरी है कि हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम सब कुछ करें, हम बुलाए गए हैं कि हम पिता की मर्जी को, इच्छा को पूरा करें। तो अगर हम अपनी जिंदगी को ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पिता की इच्छा मर्जी क्या है, और यह हमें पता चलेगा वचनों को पढ़ने के बाद। तो हमें परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, हमें इस पृथ्वी पर क्या करना है, इस सब को जानने के लिए हमें यही सजेशन है कि हम पवित्र वचनों में जाएं। और हम इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? बस अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके, कि हम किस चीज को अपनी जिंदगी में पहल दे रहे हैं। व्हाट इज माय नंबर वन प्रायोरिटी एवरी डे, हर रोज मेरी सबसे बड़ी पहल क्या है, किस चीज को मैं सबसे ज्यादा पहल देता हूं हर रोज? और ये है परमेश्वर के साथ मुलाकात, उससे मिलना, पवित्र वचनों को पढ़ के और प्रार्थना में, क्योंकि ये मेरी और आपके सबकी जिंदगी को प्रभावित करता है। और अगर मैं ये पहले काम नहीं करता हूं तो मैं डिसओबीडियंट हूं, मैं परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हूं। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा कि आज मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन अगर मैं 3 घंटे प्रार्थना में नहीं बिताऊंगा तो मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया कितना अलग था? हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वह कहता था कि आज मैं बहुत बिजी हूं इसलिए मुझे प्रार्थना करनी ही होगी, ताकि परमेश्वर उसकी मदद करे और उसे गाइड करे पूरे दिन के काम में। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है परमेश्वर के साथ मुलाकात करनी, वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। और दूसरी प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए उन सब रिश्तों, रिलेशनशिप्स के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से रिश्ते हो सकते हैं आपके, एक पति और पत्नी का रिश्ता, इन दोनों में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चे और माँ बाप का रिश्ता, बच्चों को माँ बाप के साथ और माँ बाप को बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, और ये सब रिश्ते देने वाला हमें परमेश्वर है, और जरूरी है कि हम इनके साथ संगति करें और वचनों से सीखें और सिखाएं। और तीसरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली आपका काम, आपकी जॉब, आप कुछ भी करते हैं, शायद ऑफिस में काम करते हो या कहीं और काम करते हैं, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक ड्यूटी है। जब आप काम पर हैं तो लगन के साथ वचन कहता है कि ऐसे काम करें कि जैसे आप खुदा के लिए कर रहे हैं, ईमानदारी से करें।
और परमेश्वर के दास होते हुए, परमेश्वर के लोग होते हुए, मसीह के लिए काम करते हुए हमारी भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं। परमेश्वर के साथ वक्त बिताना, फैमिली के साथ वक्त बिताना और अपने मसीह भाई बहनों के साथ वक्त बिताना और उनके लिए दुआ करना, तो ये हम सब के लिए, आपके लिए बहुत ही मददगार होगा कि अगर हम सबसे पहले वक्त परमेश्वर को देते हैं और उसके बाद जो उन रिश्तों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं और फिर ऑफ कोर्स हमारा काम जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस सब के बाद अगर आपके पास वक्त नहीं बचता है तो परमेश्वर के साथ बैठने वाला वक्त काटने की बजाय आप फेसबुक से वक्त को काट दें, आप व्हाट्सएप पर जो वक्त बिताते हैं उसको काट दें, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी भी और चीज़ के ऊपर अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसे आप काट सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी नहीं हैं। अब मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने हमें रिश्ते के लिए बनाया है, रिश्ता सबसे पहला परमेश्वर के साथ और उसके बाद हॉरिजॉन्टल यानी इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारे रिश्ते हैं। उस दिन जब मौत मेरे करीब होगी और मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ तो उस समय मेरे लिए बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, बहुत सारे अफसोस खेद होंगे अगर मैंने उन रिश्तों को नज़रअंदाज किया जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिया था, खासकर मेरी फैमिली और मसीह में मेरे भाई बहन। मुझे नहीं लगता कि उस पल मैं इस बात पर रिग्रेट करूंगा कि ओ मैंने फेसबुक पेज को इतना मेंटेन नहीं करके रखा, मैं इतना एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम के ऊपर या इन सब बातों को लेकर। उस वक्त अगर कोई बात मुझे दुखी करेगी, खेदित करेगी, वो ये होगी कि परमेश्वर के साथ मैंने कितना वक्त बिताया, परिवार के साथ मैंने कितना वक्त बिताया, मसीही में संगति में मैंने कितना वक्त बिताया। आज जो हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं इस काम के लिए नहीं जाऊंगा तो ये काम हो ही नहीं सकता है, मेरे बिना ये सब नहीं होगा, वेल मेरे बिना, आपके बिना भी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, अगर हम, सुनिए मेरी बात को, अगर हम अपनी लाइफ को ऑर्डर में लेकर आ जाते हैं, तो अगर हम अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ का स्केड्यूल बना लेते हैं, ऑर्डर में लेकर आ जाते हैं पूरे दिन को और अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उन्हें सेट कर लेते हैं, तो हमें टाइम के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास बहुत इनफ टाइम होगा परमेश्वर को देने के लिए, परिवार को देने के लिए और अपने काम को देने के लिए। देखिए, परमेश्वर के साथ ना बैठने के लिए, दुआ ना करने के लिए हम ये बहाना कभी भी नहीं बना पाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया हमें दोषी ठहराएगा। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी डोंट हैव टाइम, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव द विल एंड द हार्ट टू प्रे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वक्त है लेकिन इच्छा नहीं है, मन नहीं है प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। तो हर रोज की हमारी जिंदगी में अक्सर हम कई लोगों के साथ, जो कितनी जरूरी भी नहीं होती है, लेकिन बस हम वैसे ही करते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर अननेसेसरी वक्त बिताना, वक्त को बर्बाद करना, इस सब के साथ हो सकता है आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हमें इसे कन्फेस करना होगा, इसे मानना होगा और दुआ करनी होगी खुदा से कि प्रभु प्लीज मेरी मदद करो कि मैं इसे छोड़ सकूं, इससे बाहर आ सकूं, ये जो वेब है, ये जो नेट है, जाल जो बिछा हुआ है जो कि मुझे जकड़कर पकड़कर रखता है कि मैं आपके करीब ना आ सकूं, आपको इससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। प्लीज पुकारिए खुदा को और जितना हो सके इन सबसे दूरी बनाकर रखें, और जब हम परमेश्वर को पुकारना, उसके आगे इन सब चीजों से छुटकारा पाने की दुआ करना शुरू कर देंगे तो यस ऑफ कोर्स परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। नाउ एक और बात को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं इससे पहले कि आप मुझे गलत समझें कि हां सोशल मीडिया के ऊपर, YouTube के ऊपर, Instagram के ऊपर, Facebook के ऊपर या और भी कोई अकाउंट आप यूज करते हैं उन सब के ऊपर भी बहुत सी अच्छी बातें हैं, क्योंकि इन सब चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राज्य का काम बढ़ाने के लिए। यस, उन सब के ऊपर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए चीजें हैं। नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज इवल, सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ बुरा या गलत नहीं है, बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। यस, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये यहां पर आती है
कि जब आप अपना सारा वक्त इन्हीं चीजों को दे देते हैं और दुआ को और बाइबल रीडिंग को परमेश्वर के साथ बैठने को आप बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हैं। तो देखिए, शैतान बहुत ही शातिर है। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि शैतान जब से इंसानियत शुरू हुई है तब से इंसान की स्टडी करते आ रहा है। ही इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, वह बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक है। वह अच्छी तरह से ह्यूमन बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को, स्वभाव को जानता है और वह अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा खाना आपको चाहिए, कौन सी डाइट आपको चाहिए परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए। शैतान का सबसे बड़ा गोल हर एक इंसान की जिंदगी के लिए यह है, चाहे आप विश्वासी हैं या आप अविश्वासी हैं, उसका बड़ा गोल, उसका टारगेट यही है कि आपको परमेश्वर के साथ संगति ना करने दे, आपको प्रार्थना में ना बैठने दे, आपको बाइबल, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आवाज को ना पढ़ने दे। और इस काम से रोकने के लिए उसने अलग अलग जरिए, अलग अलग रास्ते तैयार करके रखे हैं। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और वचनों की सच्चाई को जानते हैं, तो वह जानता है कि आप मूवीज को नहीं देखेंगे, वह जानता है कि आप सेकुलर गाने नहीं सुनेंगे, वह जानता है कि आप गेम्स में अपना वक्त नहीं बिताएंगे, सो इसलिए वह इन सब चीजों से आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शैतान को पता है कि आप इन सब चीजों से प्रलोभित या टेम्प्ट नहीं होंगे। तो वह क्या करेगा आपको रोकने के लिए कि आप बाइबल ना पढ़ें, प्रार्थना ना करें, परमेश्वर के साथ वक्त ना बिताएं? वेल, वह कुछ ऐसे जरियों को इस्तेमाल करेगा कि आपको रोक सके। वह आपसे कहेगा कि वेल, अगर आप क्रिश्चियन गाने सुन रहे हैं, वर्शिप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर के साथ संगति है। वेल, अगर आप यूट्यूब के ऊपर मसीही सर्मन्स को, मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो ये भी खुदा के साथ संगति है। अगर आप किसी मसीह भाई बहन के साथ बातचीत करते हैं, तो ये भी संगति है। यस, ऑफकोर्स ये सब संगति हैं, इन सब में मीनिंग है, लेकिन ये सब बातें प्रार्थना की, वचनों को पढ़ने की, वचनों के ऊपर मेडिटेट यानी मनन करने की और परमेश्वर के साथ वक्त गुजारने की, परमेश्वर के साथ बैठने की जगह नहीं ले सकती हैं। आपको एक टाइम रखना होगा कि यस, सुबह इतने बजे और शाम को, रात को इतने बजे मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल को पढ़ना है। तो फिर से वही बात कि अगर आप अपने हर दिन को ऑर्डर में लेकर आ जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं, तो आपको कभी भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिजी हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से, इस मैच से सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे और लोगों तक भी जरूर पहुँचाएँ। हम जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ प्रार्थना में, वचनों में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब मसीह भाई बहनों की मदद करे, ताकि हम तैयार हो सकें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए और बढ़ सकें पवित्र वचनों में और परमेश्वर के साथ संगति में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।